मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों के लिए 17 तारीख को मतदान होने जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा वोटर्स भी वोट करेंगे। ऐसे में फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए जानना जरूरी है कि मतदान करने से जाने से पहले क्या तैयारियां होनी जरूरी है। मतदान के लिए पहचान पत्र जरूरी है। निर्वाचन आयोग ने 12 में से कोई एक पहचान पत्र लाना मतदाताओं के लिए जरूरी किया है, जिसमें परिचय पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक की फोटो वाली पासबुक, श्रम मंत्रालय से जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज फोटो के साथ केंद्र सरकार, राज्य सरकार या PSU के साथ ही पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के द्वारा जारी किए गए सर्विस पहचान पत्र और दिव्यांग पहचान पत्र शामिल है। मतदान करने वाले का नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है। पहचान पत्र की जांच होने के बाद मतदाता को मतदान अधिकारी अमित स्याही से उंगली पर निशान लगाएगा और मतदाता का हस्ताक्षर लेगा। वहीं तीसरा मतदान अधिकारी आपकी मतदाता पर्ची लेगा और आपकी उंगली के नाखून पर लगे निशान की जांच करेगा। इसके बाद EVM में मत डालने के लिए अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने वाला बटन आपको दबाना होगा। बीप की आवाज के साथ लाल बत्ती जलेगी तो वहीं VVPAT विंडो पर ग्लास के जरिए मुद्रित पेपर पर्ची दिखाई देगी, जहां आप फिर से तस्दीक कर पाएंगे कि आपका वोट किसे गया। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों को मतदान केंद्र पर कई सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें मतदान केंद्रों पर रैंप और व्हील चेयर, दिव्यांग जनों को यातायात सुविधा, ब्रेल EVM, मतदाता सहायता बूथ, सांकेतिक भाषा, विशेष सहायक, दिशा संकेत आदि होंगे। बता दें कि वोट डालने के लिए मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। वहीं वोटर्स मतदाता सूची में अपना नाम देखने, खोजने या वोटर हेल्पलाइन के लिए voterportal.eci.gov.in का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा चुनाव संबंधी जानकारी के लिए 1950 पर कॉल या SMS भी किया जा सकता है।